सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। ट्रांसफर के लिए 21 बिंदुओं की गाइडलाइन, शिक्षा निदेशालय से बनकर हुई तैयार। ट्रांसफर के लिए पैरामीटर करने होंगे आपको पूरे, जैसे 5 वर्ष की नौकरी है, 3 वर्ष का परिणाम भी देखा जाएगा, जाने किस किस का होगा ट्रांसफर और किसको मिलेगी इसमें वरीयता। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो तृतीय श्रेणी अध्यापक ट्रांसफर को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर जो कवायद तेज हुई है वो वर्तमान में शिक्षक भर्ती का परिणाम आने के बाद हुई है। शिक्षक भर्ती का जब से परिणाम आया है तब से ये कवायद तेज हो गई है और हो सकता है कि उस शिक्षक भर्ती से पहले यानी उनकी ज्वाइनिंग से पहले तबादले कर दिए जाए। जुलाई में तबादले करने की पूरी संभावना है जुलाई में, और 20 जून से ही तबादले के लिए आवेदन भी शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। फिलहाल शिक्षा निदेशालय से 21 बिंदुओं की एक गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके कुछ बिंदु हमारे सामने आए हैं कुछ सूत्रों के जरिए, जिसमें ये बताया गया है कि 5 साल की नौकरी और 3 वर्ष का रिजल्ट भी देखा जाएगा, साथ में किस किस का ट्रांसफर होगा और किसका नहीं होगा इसके बारे में भी बताया गया है। ट्रांसफर के लिए कुछ पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है, साथ ही 6-3 जी की कार्रवाई जिनकी हो चुकी है उनका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, जिनकी नहीं हुई है उनका होगा या नहीं होगा, कुछ बिंदु यहां पे बताए गए हैं जो आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, शिक्षा निदेशालय ने तैयार की तबादलों के लिए गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले जुलाई में संभव है। तबादले के लिए 5 साल की नौकरी और 3 साल का रिजल्ट देखा जाएगा, कम परिणाम वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बात बताई गई है तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर जुलाई में करने की तैयारी है। इसके लिए निदेशालय ने 21 बिंदुओं की गाइडलाइन बनाकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है, यानी निदेशालय से जो तैयार की गई गाइडलाइन है उसमें कुछ 21 बिंदुओं की बनाकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंत्री विधायक के डिजायर के अलावा 21 बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को ही प्राथमिकता मिलेगी, यानी इन 21 बिंदुओं को पूरा जो शिक्षक कर लेंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी तबादलों में। और बताया जा रहा है जून में तबादलों से रोक हटने के साथ ही शिक्षकों से आवेदन भी मांगे जाएंगे, यानी शिक्षकों से दोबारा आवेदन लिए जाएंगे। और जिला बदलने के लिए वर्तमान जिले में 5 साल की नौकरी अनिवार्य होगी। अगर आप जिला बदलना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, दूसरे जिले में पोस्टेड है आपका, गृह जिला कुछ अलग है, तो उसके लिए आपको 5 साल की नौकरी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही 3 साल का रिजल्ट भी आपका देखा जाएगा। अब ये 5 साल की नौकरी 3 साल का जो रिजल्ट देखा जाएगा उसमें न्यून परिणाम वाले शिक्षकों को तबादले का मौका नहीं मिलेगा, यानी उनको उनका तबादला नहीं किया जाएगा जिनका परिणाम परीक्षा परिणाम न्यून है। साथ ही ये गाइडलाइन किन के ऊपर लागू होगी उसके बारे में बताया गया है कि लेवल 1 लेवल 2 प्रबोधक PTI लाइब्रेरियन सहित थर्ड ग्रेड प्रयोगशाला सहायक पर लागू होगी। वर्ष 2018 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं, इस बात का भी आप सभी को जानकारी है। तो ये गाइडलाइन जो बनकर तैयार होगी वो इनके ऊपर लागू होगी। साथ में बात करें कि किनको मिलेगी वरीयता, तो दिव्यांग, विधवा, बीमार शिक्षक, इन सभी को वरीयता मिलेगी। जैसे लगातार पिछले 3 वर्ष का जिन स्कूलों के द्वारा 5वीं और 8वीं के लिए 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की गई है, जिस स्कूलों ने 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की है पिछले 3 वर्षों में, इसकी पूर्ण अवधि में स्कूलों में लेवल 1 और लेवल 2 को इच्छित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार जो पूर्णतः दिव्यांग शिक्षक है, गंभीर बीमार शिक्षक है, गंभीर बीमार पत्नी, पति, आश्रित बच्चे, उन जिन्हें मेडिकल सहायता की विशेष आवश्यकता है उनको भी वरीयता मिलेगी। विधवा, परित्यक्ता, वर्तमान में सेवारत सिख सैनिकों की पत्नियां हैं उनको भी तबादलों में वरीयता मिलेगी। ट्रांसफर के लिए जो पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले पैरामीटर है पद विरुद्ध नहीं होंगे ट्रांसफर, स्थानांतरण समान पद व विषय के ही होंगे, यानी पद विरुद्ध ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, समान पद पर ही ट्रांसफर किया जाएगा, समान विषय पर ही ट्रांसफर किया जाएगा। जिनकी 6-3 की कार्रवाई हो चुकी है उनके अंतर जिला तबादले संबंधित DO माध्यमिक करेंगे। जिनकी अर्थात जिनकी 6-3 की कार्रवाई पहले संपन्न हो चुकी है वो अब जिला बदलना चाहते हैं तो उनके तबादले संबंधित DO माध्यमिक करेंगे। इसी प्रकार पंचायती राज विभाग के अधीन शिक्षक जिन्हें 6-3 के तहत शिक्षा विभाग में स्थानांतरित नहीं किया गया है उनका तबादला पंचायती राज विभाग के सक्षम अधिकारी ही करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है परीक्षा काल में स्थानांतरण नहीं होंगे, यानी जो प्रोबेशन ट्रेनी हैं उनके तबादले नहीं किए जाएंगे। और इसके साथ साथ पंचायती राज विभाग के जो अधीन कार्यरत अध्यापक है जिन्हें 6-3 के तहत शिक्षा विभाग में नहीं लिया गया है उनका स्थानांतरण प्रारंभिक शिक्षा
वह माध्यमिक शिक्षा विभाग में अथवा विपरीत स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। जिन शिक्षकों के रिटायरमेंट में 2 वर्ष से कम समय का शेष है, समय 2 वर्ष से कम रह गया है, उनका स्थानांतरण समय के प्रार्थना पत्र विभागीय जांच लंबित होने पर किया जाएगा। या हो सकता है दोस्तों मिसप्रिंट हो गया हो कि यहाँ इनको विभागीय जांच लंबित न होने पर किया जाए, ये न हो सकता है, नहीं छपा हो, मिसप्रिंट है। पॉइंट नंबर आगे बात करती है कि गंभीर बीमारी और पूर्ण विकलांगता विधवा महिला का स्थानांतरण समय के स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर ही किया जाएगा। टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण केवल टीएसपी में और नॉन टीएसपी में कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण केवल नॉन टीएसपी में ही किया जा सकेगा। अर्थात दोस्तों टीएसपी से नॉन टीएसपी नहीं जा सकते और नॉन टीएसपी से टीएसपी में नहीं आ सकते, परस्पर जो है वहीं से स्थानांतरण किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पल पल की जो खबर है ट्रांसफर की आप तक पहुंचाई जा रही है, जैसे ही कोई ट्रांसफर संबंधी न्यूज़ आएगी रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।